शाम के 5 बजने को आए हैं और अनाज का एक दाना नहीं उतरा है पेट में, क्योंकि करवा चौथ है ना भाई, लड़की हमारी आराम फरमा रही है। अब जब दिन भर ही बेड पे पड़ी रहेगी तो भूख और प्यास काहे को लगेगी, और हमारा क्या, ना तो हमारी गर्लफ्रेंड है ना हम भरत है, भूख और प्यास से धोबी के कुत्ते बने बैठे हैं, ना घर के ना घाट के मादर चोत। लग ही रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है जब इसने बोला कि चल दबा दबी का खेल खेलते हैं। मैं नाम सुनते ही हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा ये कैसा खेल है, तो गड्ढा खोद के जिंदा ही दफना गया बहन का लंड। नाराज हो हमसे? कहाँ थी कल, आई क्यों नहीं? एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा, कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो गली गली सिम सिम खेल लेना उसके साथ। शादीशुदा है ना तू, 10-12 साल के बच्चे भी है तेरे, फिर हम भी देगा कौन भोसड़ी का बिया ले जाएगा। इतना प्यार करते हो हमसे? तेरी माँ की चुत। Guys, look what I found on Amazon. It's a Beetlejuice costume. You guys. तिहाड़ जेल से भागा बबलू बदमाश लग रहा हूँ। अरे जरूरी थोड़ी है कि हर वीडियो कपड़े पहना के ही बनाई जाए, बिना कपड़ों के भी वीडियो बनाई जा सकती है, जैसे कि नंगे पुंगे बिल्ले तेरे पंजे में क्या है। मैं कहता कि पंजे में है पेंडुलम हमारा, बात वहीं पे खत्म हो जाती बहन चोद। कुछ बड़ा करो, बहुत बड़े बनो जिंदगी में, बहुत बढ़िया बिल्ले हो तुम, बहुत बढ़िया। बस मुझे कुछ पैसे दे देना, जब जैसे 1 करोड़ कमाए तो 20 लाख तो मुझे दे देना। अरे 20 लाख ही तो मांग रहा हूँ। चला जा यहाँ से बहन के लोड़े, दलाली नहीं चलती है यहाँ पे। 1 करोड़ की मोटिवेशन देके 20 लाख की कमीशन खाना चाह रहा है, इससे अच्छा तो MBA चाय वाले की वीडियो देख के सड़क किनारे चाय का ठेला ना खोल लूँ मैं, लेकिन उसमें भी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। तो तुम ये मोटिवेट करते हो या गुप्त योजना चलाते हो मादरचोद? मुझे पता है इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड कौन सी? पीने का पानी, बारात में मिली फोकट की दारू, सांडे का तेल, तो फिर क्या एक्सपेंसिव है, छिपकली का मूत। एक इंसान के आंसू, आंसू जिसके अंदर सिर्फ 1% पानी होता है। ठीक है भाई, तू रो मत यार। और 99% फीलिंग्स, इसलिए किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। अरे मत बहन के लोड़े, नहीं रेपट ऐसा चकबन्नाट मारूंगा टांगों के बीच से एक्सपेंसिव लिक्विड निकल जाएगा। बताओ यार, पहले तो जबरदस्ती कौन बनेगा करोड़पति खिलाता, ऊपर से चिल्ला चोट तो ऐसे कर रहा जैसे जैसे दिवाली के फटाके फोड़ दिए मैंने इसके मादरचोद। क्रिस्त्री करी ऋतिक रोशन, ऐसे टकटकी लगा के मत देखो, नहीं मामला गौतम गंभीर हो जाएगा। और मुझे बिल्कुल शौक नहीं है क्रिस 4 का हीरो बन के हवा में अपने हाथ पे हिलाने का। रही बात तुम्हारे बच्चे की, तो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज उठा के ले गए और अब वो मार्बल वालों के साथ काम करेगा। अब देखो यार, मेरी नजर में तो एक ही बंदा बचा है जो क्रिस 4 में तुम्हारा बेटा बन सकता है, वो है दीपक कलाल। पागल है क्या बहन की लोड़ी, सो रहा था ना मैं, पता है ना कल दिवाली थी, रात भर पटाखे फोड़े हैं शैतान चौराहे पे। एक अंकल आटा बेड़ी आ गए, कहने लगे बेटा धुएं से धर्मेंद्र के फेफड़े फूल गए, बंद कर दो, बड़ों का सम्मान करते हैं इसलिए बंद कर दिए 5 मिनट के लिए। 2 घंटे फिर फोड़े बहन चोर। अबे तू आदमी है पजामा भोसड़ी के, ये क्या हुलिया बना रखा है? देख तेरी जानकारी के लिए बता दूं, लड़के थोड़ा नीचे टाबिल लपेटते और लड़की बनने का इतना ही शौक है तो टाबिल थोड़ा सा ऊपर चढ़ा ले, निप्पल दिख रहे हैं तेरे। कायदे कानून गए मात चुदाने, इसे अपनी कलाकारी दिखानी है बहन चोद। के साथ बीच जंगल में खड़ा ये मंगल सिंह क्या कर रहा है? लड़की बेचारी वीडियो बना रही है और ये भोफड़ी का गुप्त योजना बना रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है लड़की ने अपना भविष्य गलत हाथों में दे रखा है, क्योंकि जिस कातिलाना अंदाज में ये देख रहा है ना, वीडियो बनने के बाद देत दनादन कर देगा। बाहर चले गए थे, दरवाजा बंद कर लिए थे क्या बाहर से? क्या छोड़ के भाग गए थे हम लोगों को?
बोलो भागा नहीं था। चुप हो जाओ रे बहन के लोड़ो, तुम्हारे ये इमोशनल अत्याचार से घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और छोड़ के भाग गए से क्या मतलब, घंटपटूं क्या जो छोड़ के भाग जाऊंगा? अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जब मन पड़ेगा आऊंगा जाऊंगा, चार्जर में मोबाइल फंसा के सो जाऊंगा। पाबंदी लगा रहे हैं मादर चोत। आजा किट्टू, आओ कैटू, आजा। बालक समझ रहा है क्या बहन के लोड़े, अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता है क्या? आजा किट्टू, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? थोड़ा आदर सम्मान से बात करना सीख, नहीं कल को गांड गिर भी धरा जाएगी मादर चोत। मेरा बेटा है बहुत अच्छा। मम्मा कहाँ जाती हो सुबह सुबह, तुम ड्यूटी चले जाते हो, मैं अकेला घर में आ जाता हूँ, मेरे को भी ले जाया करो अपनी शर्ट। सही बताऊँ तो ना तो ये मेरी माँ है ना ही मैं इनका बेटा हूँ। मैं हूँ मिथिलेश, बचपन से ही इनके बैंक बैलेंस पे अपनी बुरी नजर लगा के बैठा हूँ। इनकी इकलौती संतान है चिंटू चूतिया। बंटवारे के टाइम वो भोसड़ी का बीच में आया तो उसका तबादला तारामंडल में करा के इस पूरी जायदाद पे अपना कब्जा कर लूंगा बहन चोद। चाचा मेरे लौटने में देर हो सकती है, परेशान मत होना। सुनीता को लेके जा रहा है ना गन्ने के खेत में, भोसड़ी के अंतर्यामी है हम, सब खबर रखते हैं। ये बता कितनी देर लगेगी? कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ साल भी। ओ गरीबों के मिथुन चक्रवर्ती, टाइमिंग तो ऐसे बता रहा जैसे जोनी सिंस ने ट्रेनिंग ले रखी है तेरे से। भूल गया कि शिलाजीत की गोली पे जिंदा है तू, अंदर जाते ही 10 सेकंड में निचोड़ के फेंक देगी। कुछ घंटे कुछ साल लगेंगे मादर चोत। सिफारिश करना चाहता हूँ कि भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो या तो इसे भगा के शादी कर ले या फिर तारों के शहर में ले जाकर झिंगा लाला हुर कर दे। कुछ तो कर भोसड़ी के, यहाँ पे मेरे अंदर तेरा इंसानी रूप इमेजिन करके मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शारीरिक रूप से बर्बाद हो जाऊंगा बहन चोद। चलो माना कि ठंड का मौसम आने वाला है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम परदादा के संदूक से निकाल के उनका कश्मीरी कुर्ता पहना दोगे। आल की पाल की मार के बर्फ के ऊपर नंगा बैठने को तैयार हूँ, लेकिन ये गोदड़ा नहीं पहनना मुझे, तात्या बिच्छू लग रहा भोसड़ी का।